नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया है। इस रिजल्ट में क्या कमी है और सरकार चाहे ना इसमें हम कमी में सुधार कैसे कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और सरकार चाहे तो आचार संहिता से पहले है ना, लगभग है ना, कम से कम ग्रुप डी में और 5 से 7 हजार बच्चों को नौकरी दे सकती है। आपकी क्या राय है, कॉमेंट जरूर करे। कोई भी काम करो, जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर किया करो। पहली कमी थी कट ऑफ हाई जाने की, उस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है वो भी बात करेंगे। एक तो यस और नो का ऑप्शन नहीं था, और ये ऑप्शन ना होने के कारण ना इन 11,000 में से ना कम से कम 3,000 से लेकर 4,000 बच्चे वो शामिल हो गए जिनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया, अभी हरियाणा पुलिस में हो गया, चंडीगढ़ पुलिस में हो गया, अदर स्टेट एग्जाम में हो गया। तो कम से कम 3 से 4 हजार बच्चे ऐसे होंगे। एक तो इस वजह से कमी दूर कैसे करेंगे वो भी बात करेंगे। आप आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट करना। दूसरा ना इसकी मतलब है, ठीक है, ये मतलब इसमें टीजीटी भर्ती है, इसका सरकार चलो अभी जो कोर्ट के फैसले से पहले अगर ये भी है ना 5 नंबर के बिना भर्ती कर दी जाए, 5 अभी अगर टीजीटी की भर्ती हो जाए ना तो भी कट ऑफ है कम जाएगी। इस पर भी बात करेंगे कैसे टीजीटी की भर्ती हो सकती है। चलो और तो हम बात करते हैं, 56-57 पर स्टे है, इसमें चलो सरकार कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, 19 मार्च से पहले कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अब एक है ना, इन्होंने क्या दिया था बेटा, वो 5 नंबर का पोर्टल जारी नहीं किया कि कौन 5 नंबर क्लेम कर सकते हैं और कौन 5 नंबर छोड़ सकते हैं क्लेम अपना, ठीक है, विड्रॉल करा सकते हैं, तो ये भी पोर्टल नहीं दिया था। तो अब है ना ये अभी आचार संहिता से पहले कैसे ज्वाइनिंग हो सकती है, ये वीडियो आप शेयर करना, क्या पता किसी तक है ये वीडियो पहुंच जाए और आचार संहिता से पहले लगभग 5,000 बच्चों के घर में और होली बन जाए। अभी क्या करना चाहिए HSSC को, क्या करना चाहिए, देखो संडे तक है ना सभी विभाग ओपन है, संडे तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, संडे तक स्थिति साफ हो जाएगी कि इन 11,000 बच्चों में से कितने बच्चों ने ज्वाइन किया। लगभग 8,000 से ज्यादा ज्वाइन नहीं करेंगे, 7 से 8 हजार बच्चे ज्वाइन करेंगे। अब ये मतलब तुरंत है ना, ठीक है, 3,000 से 4,000 बच्चे यहां से निकलने की उम्मीद है, क्योंकि जो जॉब में लग गए हैं वो तो जाएंगे नहीं, तो 3 से 4 हजार बच्चे। और टीजीटी की भर्ती है ना ये विदाउट 5 नंबर के आज ही रिजल्ट जारी कर दे, विदाउट 5 मार्क्स के ना टीजीटी भर्ती का रिजल्ट जारी कर दे, तो टीजीटी भर्ती है ना 7,500 पद है, 6,000 पदों का रिजल्ट जारी कर दे, तो 6,000 बच्चों में से जरूर वो बच्चे होंगे जो 2,000 है ना वो ग्रुप डी में लगे होंगे। तो 2,000 यहां से और 3 से 4 हजार यहां से, तो 4 और ये 5 हजार बच्चे हैं ना ये वो नए बच्चे होंगे जो आचार संहिता से पहले ग्रुप डी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो इसका तो मैं मान सकता हूं कि सरकार है ना 19 मार्च के फैसले पर डिपेंड है। 5 नंबर क्लेम विड्रॉल ये है ना, अभी बहुत से बच्चों के कल से मैसेज आ रहे थे, सर हमें 5 नंबर चाहिए ही नहीं थे और हमें 5 नंबर मिले हुए हैं, इसमें कमी HSSC की थी, पहले इन्होंने कहा था 21 में जिसके घर में जॉब नहीं है चाहे इनकम कितनी हो, बाद में 80 का क्राइटेरिया दिया तो जॉब नहीं है उस टाइम बच्चों ने क्लेम किए, फिर विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आया। अब उनको भी जॉब मिल गई है जिनके घर में या तो नौकरी है या इनकम 80 से कम है, ये है ना आज ज्वाइनिंग के टाइम में पारदर्शिता से ज्वाइनिंग की जाएगी, तो मान के चलो बेटा 1500 से बच्चे इसमें भी बाहर होने की संभावना रहेगी, तो 5 और 6.5 तो 7,000 बच्चे है ना, 7,000 बच्चों की एक और लिस्ट लग सकती है वो भी आचार संहिता से पहले। और ये तो केवल मैं बात कर रहा हूं 11,000 में से 7,000 बच्चों की, और 7 चलो आपको लगेगा कि सर ने 7 ज्यादा बोल दिया, तो कम से कम है ना 5,000 प्लस जरूर मानकर चलो इनकी ज्वाइनिंग आचार संहिता से पहले हो सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। HSSC को अपनी गलती माननी चाहिए और TGT का रिजल्ट विदाउट 5 नंबर के जारी करना चाहिए, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नहीं सताना चाहिए, और ये यस और नो का भी चलो पोर्टल ओपन नहीं किया, संडे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, फिर मंडे को ही नई लिस्ट निकाल दो, TGT का भर्ती मंडे तक कर दो, और ये 5 नंबर वाला आपको पता चल जाएगा जिसके 180 से ज्यादा है तो उसको 5 वो हो सकता है, उस आज भर्ती में कल को वो ना हो तो वो सभी की एक कॉमन लिस्ट सोमवार रात तक ये जारी करे और बच्चों को ज्वाइनिंग करे। ऐसा करने से ना
5000 नए बच्चे, हो सकता है 7000, लेकिन कम से कम 5000 बच्चों के घर में होली जरूर बनेगी। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।